नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं 20 बेहतरीन प्लांट जो कि अगस्त में बहुत अच्छे से चलते हैं। अरे सब्सक्राइबर सब कमेंट करते हैं, सर आपका वीडियो और कलेक्शन हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए एक वीडियो में बहुत सारा प्लांट दिखाइए, तो इसीलिए मैं ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। पहला है देखिए हमारा बैलून फ्लावर, ये बहुत यूनिक कलर और साइज में रहता है, बहुत सारा फूल देता है। ये मेरा पिछले साल का है, ये पेरिनियल जैसा चल गया है दोस्तों। समर में मैं इसे बचा लिया, मैं इसे लाया था विंटर में, तो एक साल कंटिन्यू कर जाएगा ये। और इसका सीड भी बन रहा है और देखिए इसका बर्ड्स भी आ रहे हैं, तो सीड के थ्रू भी आप बना सकते हैं। इसका नीचे ट्यूबर जैसा बन गया है और प्लांट मरा नहीं मेरा, और दोस्तों किसी भी सॉइल में ये हो जा रहा है। और देखा मैंने सैंडी सॉइल, गोबर का खाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट प्लांट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये है स्टार मोगरा, और मोगरा अगस्त में बहुत बढ़िया कर रहा है क्योंकि अभी भी गर्मी हो रहा है, और ये समर से लेके अभी तक बहुत सारा फूल दिया है मुझे और खुशबू भी। दोस्तों ये वैरायटी ही गजब का है, इसके ऊपर मेरा एक रिसेंटली वीडियो है, वो आप अगर चाहते हैं तो देख सकते हैं इसकी केयर के बारे में। ये बहुत बढ़िया ट्रिपल लेयर में रहता है स्टार मोगरा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा देखिए जरबेरा। जरबेरा टिशू कल्चर वाला मेरा खिलना शुरू हो गया है, और ये देखिए वाइट और इनर साइड पिंक होता है इसका, लेकिन पहला फूल है तो मज़ा नहीं आ रहा है उतना। और इसे मैं समर में बहुत बचाया, ग्रीन नेट के नीचे रखा था, और दोस्तों बारिश में भी इसे बचाना पड़ता है फंगिसाइड रेगुलर देके। नेक्स्ट प्लूम इसका बहुत बढ़िया आएगा, देखिएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पहला प्लूम का साइज थोड़ा ठीक नहीं है। और ये है हमारा अलामंडा का ऑरेंज। अलामंडा ऑरेंज मेरा फेवरेट है जितना भी अलामंडा है, क्योंकि बहुत बड़ा फूल देता है और इसका कलर भी यूनिक होता है, और दोस्तों कम खिलता है लेकिन रेगुलर खिलता रहता है। अब जून से खिलना ये शुरू हो जाता है, और अभी देखिए अगस्त हो गया है और एक के बाद एक इसमें फूल आ रहा है। तो दोस्तों बड़े से पॉट में लगाइए इसको, क्योंकि छोटा पॉट में ये नहीं होगा, बड़ा वैरायटी होता है और नीचे लगाने पर बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत बड़ा बड़ा फूल। और ये देखिए ये है मांडाविला का वाइट, इसे भी आप गमले में लगा सकते हैं और बहुत सारा फूल देता है आपको, वाइन होता है। और इसका रेड बहुत टफ होता है, रेड को लगाना मुश्किल है, लेकिन आप वाइट लगा सकते हैं। ये भी आपके गार्डन में कभी फूलों की कमी नहीं करेगा और रेगुलर खिलता रहेगा ये। और दोस्तों ये मार्च से खिलना शुरू हो जाता है, मार्च से लेके अभी चल रहा है आपका अगस्त तक नॉन स्टॉप फ्लावरिंग कर रहा है ये। और बर्ड्स भी देखिए आगे है, तो ये कंटिन्यू करेगा फ्लावरिंग। और ये देखिए एक्जोरा का द्वार वैरायटी रेड में है, बहुत छोटा छोटा फूल लेकिन बहुत सारा फूल देता है जब भी खिलता है। और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, एक्जोरा में ज़्यादा फूल आप कैसे ला सकते हैं उसके बारे में। और इसका बड़ा वैरायटी भी आता है, लेकिन पॉट में ये छोटा वैरायटी ही अच्छा लगता है। और मैं जो भी प्लांट आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, सभी मेरे पॉट में लगे हुए हैं, और ये सभी प्लांट आप पॉट में लगा सकते हैं। एक्जोरा वैसे भी इजी टू मेंटेन प्लांट होता है, और इसका केयर बहुत कम लेना पड़ता है, बिगिनर्स भी लगा सकते हैं इसे, इसका कलर भी वेरिएशन बहुत मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। ये देखिए डेंड्रोबियम ऑर्किड, ये दोस्तों एक महीने के ऊपर हो गया है, आप तो रेगुलर मेरे गार्डन अपडेट देख रहे हैं। और देखिए आखिर का ऊपर का फूल बचा है, और नीचे का फूल थोड़ा थोड़ा फेड होके गिरने लगा है, तो ऐसे ही दोस्तों ये लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल होता है। और खिलने में जैसे आपका लेट लगाता है, खिल जाए तो वैसे भी आगे चलता है एक महीना। और ये करीब देखिए एक महीना 5-7 दिन हो गया है, तो फेलनोप्सिस और आगे चलता है, ये डेंड्रोबियम है इसीलिए थोड़ा कम लास्टिंग किया। इसके देखिए फूल, सूखा हुआ फूल नीचे गिर रहा है। ऑर्किड सब पेशेंस वाला काम होता है, ऑर्किड अगर आप लगाते हैं घर में तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्लावर बहुत लेट में आता है इसमें, लेकिन एक बार आ गया तो आपका 1-1.5 महीना आप एंजॉय कर सकते हैं इसको। और बिगिनर्स हैं तो डेंड्रोबियम लगाइए, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, डेंड्रोबियम में झंझट बहुत कम है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा देखिए
खुशबूदार पौधा गार्डेनिया। यहाँ से मैं थोड़ा येलो कलर के फ्लावर आपको दिखाऊंगा, तो अगर आपका फेवरेट कलर भी येलो है तो वीडियो और अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए बहुत खुशबूदार पौधा होता है गार्डेनिया, और इसका येलो है देखिए सिंगल पेटल में। इसका बहुत प्लीजेंट स्मेल होता है और बहुत बढ़िया लगता है इसका खुशबू। जो भी प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, सभी अगस्त के हैं। और देखिए अगस्त में ये एडेनियम भी खिला है मेरा येलो कलर का, और इसमें रेड स्ट्राइप आता है, बहुत सारा बर्ड्स और फूल दिया है देखिए। और ये आगे भी खिलेगा लेकिन उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है रेनी सीजन में, लेकिन गर्मी भी अभी भी गिर रहा है दोस्तों, तो इसीलिए फूल आ रहा है इसमें। अभी हैवी रेन से बचाइए इसको, आगे चल के और ये बहुत अच्छा करेगा। ये आपका अक्टूबर में जैसे ठंड गिरता है तो फूल कम कर देता है, नहीं तो अक्टूबर तक ये आपका खिलता रहेगा। और एडेनियम आपका 10 महीने फूल देने वाला पौधा हो गया है अभी, जैसे कि आपका हिबिस्कस देता है। और ये येलो मेरा फेवरेट है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कलर। और देखिए ये 5 वैरायटी, ये कुछ जाने पहचाने फ्लावर हैं, आप तो अभी से जान गए होंगे। ये आपका पहला है आलामंडा, ये जो ड्वार्फ वैरायटी होता है वही वाला। और इसमें दोस्तों रेगुलर फूल आता रहता है, और रहना भी चाहिए आपके घर में, क्योंकि 3-4 महीना जब कोई भी फूल नहीं खिलता है तो ये आपका गार्डन में कलर ऐड करता है, बहुत बढ़िया वाइब्रेंट कलर में रहता है। और नेक्स्ट है हमारा देखिए ये कॉस्मोस, कॉस्मोस का येलो डबल है, ये भी डीप येलो कलर में रहता है और सीड के थ्रू बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। ये थोड़ा टॉल वैरायटी होता है, हाइट में थोड़ा फूल खिलता है इसका, और फूल लास्टिंग भी करता है दोस्तों बहुत दिन तक। ये देखिए डबल पेटल है, और इसका पहले सिंगल पेटल आ रहा था। और विंटर वाला कॉस्मोस दूसरा वैरायटी होता है, ये आपका 10 महीने चलने वाला फूल होता है, ये भी बहुत अच्छा वैरायटी है। और ये देखिए ये है टेकोमा का ड्वार वैरायटी, इसमें दोस्तों फ्लावर नहीं आ रहा था तो मैं इसका रिपोर्ट किया और फर्टिलाइज़र भी दिया, वो वीडियो भी मैं शेयर किया था। और देखिए इसमें फूल आना शुरू हो गया है, और एक साथ बहुत सारा खिलता है, और इसका पिंक और रेड भी आता है, लेकिन ये येलो है, पिंक में अभी मेरा फूल नहीं आया है। तो द्वार वैरायटी है, गमले में आप लगा सकते हैं अगर आपके स्पेस भी बहुत कम है तो, और शॉर्ट हाइट में ही ये फ्लावरिंग करता है और बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। ये स्टेम कटिंग के थ्रू भी हो जाता है, नर्सरी में ये आपको मिल जाएगा, टेकोमा का ड्वार वैरायटी बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे। इसका रेड ऑरेंज और येलो आता है, रेड मेरे पास सर्वाइव नहीं किया, रेड को फिर लाऊंगा मैं, रेड भी बहुत बढ़िया दिखता है। और ये येलो है, और ये देखिए ये जो लाया फ्लावर ये है रेन लिली, रेन लिली का येलो वैरायटी। रेन लिली भी दोस्तों आगे पीछे होके मेरा खिल रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका बार बार खिलना और एक साथ खिलना बहुत बढ़िया दिखता है। रेन लिली का येलो ये सीड से भी हो जाता है, इसका सीड इधर उधर गिर के बहुत सारा गमले में मेरा हो गया है रेन लिली, और ये अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है। नेक्स्ट है देखिए ये आलामंडा का वाइन है, ये थोड़ा लाइट येलो कलर में रहता है और बहुत बढ़िया फूल देता है दोस्तों, पूरा फ्लैट होके खिलता है। बाकी आलामंडा जैसे मुड़ जाते हैं, ये पूरा फ्लैट होके खिलता है, और वाइन होता है, बस इसे सपोर्ट चाहिए। आप अगर अच्छे से इसको ग्रो करना चाहते हैं तो सपोर्ट दीजिए दूसरे प्लांट का, या फिर कोई रस्सी या धागा से बांध दीजिए इसको वायर से। ये देखिए दोस्तों येलो में मेरा हिबिस्कस का 3 वैरायटी, 2 येलो है और 1 ऑरेंज है, ये ऑरेंज बोल सकते हैं जो देख रहे हैं। और ये दोनों येलो हैं, डबल और सिंगल लिखिए सब वैरायटी। और ये देखिए ये है आपका कनेर, ये पॉइजनस प्लांट होता है दोस्तों, लेकिन फूल ज़बरदस्त रहता है इसका, और पूजा के लिए भी इस फूल का यूज होता है। तो ये हमारे उड़ीसा में हर घर में मिल जाता है आपको देखने के लिए, और दोस्तों ब्राइट येलो कलर में रहता है और बहुत बढ़िया लगता है इसे देखने में, और प्लांट भी इसका बहुत बड़ा होता है। तो एक बार इसका प्लांट सर्वाइव कर गया तो आपको 12 महीने फूल देता रहेगा, और गर्मी पसंद प्लांट है, और हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो सब कैसा लगा कमेंट कीजिएगा,
और प्लांट सब कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार।